अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि क्या ये मेरे नबी पाक की हदीस है कि जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। देखिए ये जो रिवायत आती है इसका मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस क्या है। हदीस पाक के जो अल्फाज हैं वो कुछ इस तरह हैं कि कमा तदीनु तुदानु, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये रिवायत जो है ये मुसन्नफ अब्दुल रजाक में आती है, किताब अल जामिअ, इसमें हदीस नंबर 20430। अब इस हदीस के जमन में अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस हदीस की वजाहत करते हुए कि तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें इसका बदला मिल जाएगा, जो तुम किसी के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। और इसे अत्तैसीर बिशर्ह अलजामिया सगीर जिल्द नंबर 2 सफा 222 पर बयान किया गया है। इमाम अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह जमन में लिखते हैं फतावा रिजविया में जिल्द 24 सफा 424 कि बेअकल और शरीर और नासमझ जब ताकत और तवानाई हासिल कर लेते हैं तो बूढ़े माँ बाप पर ही जोर आजमाई करते हैं, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी इख्तियार करते हैं और जल्द उन्हें नजर आ जाएगा जब वो बूढ़े होंगे अपने किए हुए कामों की जजा अपने हाथ से चखेंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आखिरत का अजाब सख्त और हमेशा रहने वाला। अब याद रखें इस पुरफितन दौर में लोग जहाँ अफरा तफरी का शिकार है वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे कहते हैं ना कि हम ना आकिबत अंदेश। उन्हें ये खबर ही नहीं है कि एक दिन उन्हें इस दारे फानी से कूच करके चले जाना है और जहाँ जाना है वहाँ पर अपने किए को देख ले। तो ये एक बड़ा ही जरूरी अमर है जिसकी तरफ वजाहत करनी जरूरी थी ताकि हम देखे ना दुनिया की तो इतनी फिक्र करते हैं आखिरत की फिक्र नहीं, नतीजतन हम ऐसे काम करते हैं जो गुनाह होते हैं जो बुराइयां होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने आमाल को अच्छा रखें नेक रखें। देखें एक और रिवायत सुनने भी दाऊद की हदीस 4946 आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं कि जिसने किसी मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया और जिसने किसी और अल्लाह ताला जो है इससे कयामत के रोज इसका एक दुख दूर कर देगा, और जिसने किसी मुश्किल में पड़े हुए शख्स के लिए आसानी की अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा, और जिसने किसी मुसलमान की पर्दादारी की अल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया और आखिरत में इसकी पर्दादारी करेगा, और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक कि वो बंदा अपने भाई की मदद में रहे। तो सुनने अभी दाऊद की रिवायत है, अब आप इससे अंदाजा करें कि इंसान को जो वो करता है उसकी जजा मिल जाती। अच्छा रब्बे कायनात बड़ा रहीम है बड़ा करीम है कि जब हम कोई नेक अमल करते हैं ना तो उसकी जजा 10 times से 700 times तक और बास की उससे भी ज्यादा जजा अता फरमा। तो इससे आप अंदाजा करें कि नेक कामों की जजा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा अब गुनाहों की और बुराइयों की जो मामला है वो जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर तो तुमने गुनाह किया अपनी जात से मुताल्लिक, एक होता है ना अपनी जात तक महदूद गुनाह कर लेना वो उसका अलग मामला है, और एक गुनाह वो होता है कि तुम ऐसा काम करो जिससे कोई और अफेक्ट हो, तो अब तुम्हारा गुनाह हुकूकुल इबाद का गुनाह हो गया। तो ऐसा हुकूकुल इबाद वाला गुनाह जो है तुम अगर किसी के हक में डाका मारोगे तो उसको तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारे हक में भी डाका मारा गया, क्योंकि देखे ना दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं, अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो कल करा को कोई बुरा आदमी तुम्हारे साथ भी बुरा कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी शख्स के साथ कोई काम बुरा हुआ हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसने भी किसी के साथ बुरा किया हो तो उसके साथ हो रहा है। ये भी याद रखें हमारे यहाँ खानदानों में ये कहते ना कि ये चंद सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो जल उठे जुदा करो तो धुआं करें। ये खानदान वाले मोहल्ले वाले रिश्तेदार ये किसी हाल में खुश नहीं रहते, किसी को तकलीफ में देखकर उसकी तकलीफ में इजाफा यूं कर देते हैं कि भाई इसको ये तकलीफ हुई है ना जरूर इसने भी कोई ऐसा काम किया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार आजमाइशें भी तो होती हैं, इम्तिहान भी तो होते हैं, अल्लाह ताला की हिकमत भी तो होती है। बस हर कोई अपने तई फिलोसोफर बना फिरता है जिसको जो चाहे बोल के फारिग हो जाओ, जबान ही तो चलानी है ना। इसलिए एहतियात करें, आपका काम जजमेंट पास करना नहीं है ना आपको इल्म दिया गया है। तो इसलिए हदीस शरीफ जो मैंने बयान की है उसके पीछे मकसद ये है कि देखो ये नहीं होता कि करे कोई भरे कोई, ये नहीं होता।
ये बात याद रख कि गुनाह मैं करूं और सजा मेरी औलाद भुगते हैं, ऐसा नहीं होता, ये तो फिर कानून ही बदल जाएगा। हाँ ये जरूर होता है कि माँ बाप की नेकियां औलाद के सामने आ जाती हैं अल्लाह की रहमत की सूरत में। मिसाल के तौर पे सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि खिजर अलैहिस्सलाम ने एक गिरती दीवार ठीक कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो उन्होंने वजह बताई, बाद में मुख्तसरन बता रहा हूँ कि इसके नीचे यतीमों का खजाना है और इन यतीमों का बाप बड़ा नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह ने चाहा कि इस दीवार को महफूज कर दिया जाए यहाँ तक कि ये यतीम बड़े होकर अपना खजाना खुद निकाल लें। तो बाप नेक था इसलिए अल्लाह ने इन यतीमों पर ये रहम किया कि इनके खजाने को जो इनके बाप ने इनके लिए छोड़ा था महफूज करे। तो बाप की नेकी औलाद के आगे आई, समझ आ रही है बात? तो कुरान से तो मामला सामने आ गया ना, बिल्कुल वाजे हो गया। तो एनीवे कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि हमें हर कदम पर ये एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे फिर हमें कल कराकू शर्मिंदगी उठानी पड़े। और जब हम कोई अमल करें ना तो उसको तीन बकेट्स में से किसी एक बकेट में तो हमने डालना है। हमारे पास तीन बकेट्स कौन सी हैं? एक अल्लाह के हुकूक की बकेट है जिसमें अल्लाह के हुकूक है, एक हमारे पास हमारे अपने हुकूक की बकेट है और एक हमारी हुकूकुल इबाद की बकेट। अब हुकूकुल इबाद की बकेट में अगर कोई गुनाह पड़ जाए तो वो उन बंदों का के लिए हमारा कोई ऐसा काम होता है जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह की मखलूक होती है, उसके ज़मन में हमने कोई गलत काम कर दिया तो वो हुकूकुल इबाद की बकेट में चला गया। अपनी ज़ात के साथ कोई ऐसा मामला कर दिया, कोई ज़ाती गुनाह कर दिया जिससे ज़ात तक नुकसान महदूद रहा तो वो ज़ाती गुनाह की बकेट में चले गई। और हुकूकुल्लाह में अगर हमने कहीं पर कमी बेशी कर दी, कोई नमाजें छूट गई, कोई ऐसी चीज जो अल्लाह का हक था वो हमने अदा ना किया तो वो हुकूकुल्लाह की बकेट में चला गया। तो इसीलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि जो हम काम करते हैं, नेक अमल करते हैं या जो अमल करते हैं बेसिकली, वो कौन सी बकेट में जा रहे हैं। इसी तरह अच्छे अमलों की भी बकेट्स हैं, हुकूकुल्लाह के अच्छे अमल की बकेट है। बकेट से मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि बात समझ में आ जाए। इसी तरह हुकूकुन्नफ्स अपनी ज़ात का जो आप पे हक है, योर राइट ऑन योर सेल्फ की भी एक बकेट है। इसी तरह दूसरों के आप पे जो हक हैं उसकी एक बकेट है। तो आप अच्छे अच्छे काम करके अपनी अच्छी वाली बकेट्स को फिल करते चले जाएं और बुरे कामों से बच के बुराई की बकेट्स में कमी करते जाएं और जहां कहीं गुनाह हो जाएं अल्लाह से माफी मांगे, हुकूकुल इबाद में मसला हो जाए तो उन लोगों से माफी मांग लें ताकि वो बकेट्स खाली होती रहे, क्योंकि हमारी बकेटें जो है ना गुनाहों की वो बड़ी जल्दी जल्दी भर रही। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। अगेन कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri.